और यहाँ मन्नी ने दो बच्चे अभी हुए हैं, एक बड़ा मेल और एक सेकंड फीमेल, और उनको ना दूध लगा दिया। बड़े वाले ने तो पकड़ लिया दूध, छोटे वाले को भी दूध पीना आ गया, बस कमजोर है, बच्चे हो जाते हैं छोटा। हाँ। अभी बिल्कुल सुध-बुध नहीं है, अभी तो आए हैं संसार में। और लेडी ऑली ना आराम से उनको दूध पिला रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो कितना प्यार से दूध पिला रहे हैं, कितना प्यार से दोनों बच्चे, देखो ये देखो, है ना। तो मन्नी ने दोनों बच्चे लगा दिए दूध पे, और अब लेडी ऑली कह रही है आगे मेरी जिम्मेवारी। कर लेगी तू? क्यों नहीं करेगी, तूने किया तो ये भी कर लेगी। अच्छा हमें पैदा करना होता है एक बच्चा एक टाइम पे, है? इनको कर दे आठ आठ को दूध पिलाना है। अब बुड्ढे तू भी अच्छे से खा पी है, मेरे बच्चे ये भी जैसे अब तीसरा होना तो ये भी पी रही है, छोटी भी पी रही है। हाँ। तो मन्नी ने दूध लगा दिया, देख लो फाइनली, वेरी गुड मन्नी, वेरी गुड। तो गाइस तीसरा बच्चा भी बाहर निकल चुका है। इसको करने दो, ये अपने आप निकाल लेगी, नीचे रख दो, वो दे, कटर दे, नीचे रख दो। मना, एक मिनट रुक जा, चुप हो जा, उसको साथ देने दे, बस उसका मुंह खुलना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो। ये सैक उतर, अब इसको चटकाओ अच्छे से, टॉवल दे बेटा नीचे, ये लो अभी थोड़ी देर चाट ले, तो टॉवल रख के चटवाओ राहुल, नीचे ठंडी जमीन पे बच्चा रख दिया, ये लो टॉवल रख यहां पे। हां रख रख रख, कोई गंदा हो जाए तो आ जाएंगे। रख बेटा चल, बच्चे को चाट फिर नाल काट। अभी रुक जा 2 मिनट, उसको चाटने दे। मेल है। जी मेल है। तो अभी हो गए 2 मेल 1 फीमेल हमारी, है ना। तो अपने आप बच्चे को ना क्लीन ही कर देगी, देखो पूरा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, नेचर ने इनको ऐसा बनाया है कि ये सब कुछ खुद कर लेते हैं। क्या हुआ गाइस, ये जो बड़े वाला है ना। हाँ। वो ना बिल्कुल बब्जी है, जूनियर बब्जी पैदा हुआ है, मेल है। हाँ, जूनियर बब्जी है। हाँ, जूनियर बब्जी है। अपनी ना दोनों बहनों पे इतना तंग कर रहा है, इतना तंग कर रहा है। हाँ, वो बेचारी अपने सुमड़ी बन के बैठी हुई है, उनके ऊपर चढ़ी जा रहा है। अच्छा, ये कोने पे की बैठ गई है, अपने बच्चों के लिए बैठी है। अच्छा, तो इधर आके क्यों बैठ गई है, क्या? अच्छा, गर्माहट, यहाँ पे हीटर चल रहा है, देखो ऑयल हीटर लिया हमने, ठीक है, खरीदा हमने, पर ठीक है, चाहिए आगे ना 30 दिन के लिए ना, अच्छे हो जाएंगे, है ना। रजवा माता रानी ने बड़े अच्छे पैदा किए, आज इंडिया का फाइनल भी है, बिल्कुल जूनियर बब्जी है, और साथ में 2 बच्चे और 2 फीमेल्स, राहुल को पहले लगा था मेल, हाँ 2 फीमेल, 2 फीमेल 1 मेल हुआ। अगला, मैं तो चाहता हूँ फीमेल्स ज्यादा हो, पूछ क्यों, लेडी वाली भी तो होगी ना एक तगड़ी, अच्छे तो रेडी हो गए हैं, अच्छे से डब्बे में डल गए हैं, और यहाँ लेडी ऑली परिश्रम कर रही है अगले की, पर पेट में थोड़ा थोड़ा तो आराम मिला है इसको, है ना। लेकिन और तकलीफ होगी, बहुत सारे होते हैं ना अंदर, तो निकलना आसान होता है, मतलब बॉडी में प्रेशर है, पीछे से धक्का, अब हल्के हो गए तो धीरे धीरे, अब इसको खुद की बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चे पुश कर, ये दिक्कत। 3 आ गए हैं, एस्टिमेटेड 5 और आएंगे, 5 या 6 और आएंगे। चलो कुछ नहीं, हम रेडी हैं, फिर तुम्हें सारों को बिठा देंगे यहाँ पर, तुम आराम से अपना दूध दूध पिलाते रहो, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तुम्हें एक गलती हो गई तुमसे राहुल, कैमरा ना मारा यार, तुमने बीच में ये बिछा दिया, मुझे नीचे से कुछ कैसे दिखेगा, नीचे से देखना क्यों है तुम्हें, पर कुछ तो दिखना, तो अपना छोटा वाला कैमरा यहाँ लगा दियो ना, ये तार तू खींच के ना उसको, तो नहीं इधर लगा दियो, इसके ऊपर कुछ बांध देता हूँ मैं, नहीं तो वहाँ भी लग, हाँ बस ठीक है दीशु, तो यहाँ पे ये कैमरा और लगेगा इस तरफ, ठीक है, इसको वहाँ लेके जाओ, ये कर रही है बच्चा, चला जाओ वाला, कम 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 वाला, अच्छा 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 वाला, तो वो लेके आ, बताओ क्या क्या चाहिए, तुम बताओ ना, चौकी दो तुम्हें, वाला ने ना जगह बदल ली, गाइस यहाँ से हटके ना पता नहीं वहाँ हीटर के पास चली गई है, बच्चा वहीं निकाल के फेंक दिया, खून हम खून, हाँ लेके आ, इधर लेके आ जा, पोछा मारते हैं, कोई नहीं, उधर नहीं जाएगी, उधर लेके आ,
ये लो पप्पू, ए मत रुक जा, तुम बैठ जाओ ना राहुल, रुक बस रख, कोई लेके ब्लेड लेके आ, ब्लेड और उठा जल्दी, जो ब्लेड ला पीछे, ब्लडी ब्लड है, कोई गाना राहुल वो तो हमें पता ही होएगा, कोई बात नहीं यार, अभी एक बार में सारे हो जाएंगे ना, पूरा दिन को 2 मिनट सफाई करा के मां के साथ टिका देंगे, रुक जा रुक, बस मुंह निकाल लो बाकी वो अपने आप कर लेगा, ये भाई कर कर हल्का, अरे कर तो, हेलो बाबू चाट काका आया, देख फीमेल, क्या बात है, औरतों की छड़ी इकट्ठी कर रही है ये, फीमेल पावर, ये बेटा यहाँ से ये हटा, देख तूने गलत रख दिया ये, इसको बच्चा करो आगे, इसके अभी नहीं करना, अभी उसको चाटने दे, बच्चा चाट प्लेसेंटा बाद में खाइयो, नहीं वो बच्चा काटने की कोशिश कर रही है, वो तो नाल काटने की, स्ट्रीट डॉग्स भी तो ऐसे करते हैं, पहले तो मैं इसके अंदर नाल काटूं, वो दे ले गया, बहुत बड़ी रस्सियां बनाई हैं तूने, ठीक है ना, धागा इतना बड़ा, पूरी रील है इसने, छोटे छोटे धागे, बहुत छोटे धागे होने चाहिए, चाहिए पकड़ में तो आ रहे हैं, और यहाँ पे मीनवाइल ये तीनों भाई बहन देखो क्या कर रहे हैं, चढ़े पड़े हैं एक दूसरे पे, चढ़े, ये बड़े वाला ना बिल्कुल बाज नहीं आ रहा, इसको चटवा लो, टावल बंद कर लो, अब इसका दूध लगवा दियो, थोड़ा ये काम पे पीस पे आएगी ना तब करवाएंगे, डॉक्टर की सर्जरी दोबारा हो गई है, अभी ब्लेड मत निकालो, सिर्फ एक ब्लेड और निकाल लेंगे, छोड़ो बच्चे को पकड़ो यार, उसको गीले में छोड़ रखा है तुमने, जान के हीरो मत बना कर दिए, चार बच्चे हो गए ऑलमोस्ट, 50% हमने डिलीवरी कर दिया है ना, डॉक्टर राहुल कोहली, चल चल चल, मैं वहाँ पे ओला पड़ी हुई है और इसने जगह चेंज कर ली, इनिशियली डिलीवरी यहाँ हुई थी 3 बच्चों की, चौथे पे यहाँ आ गए, और ये मेरे हाथ में जो है ये चौथी फीमेल है, बिल्कुल लेडी ऑली जैसी, सेम है ना, ये जूनियर लेडी ऑली, पांच छह मेल, तूने क्या करना है, तू अभी भी उसी जमाने में जी रहा है, एक मेल सारी फीमेल, फिर पता चलेगा कि वुमन पावर कितनी है, नहीं मुझे लग नहीं रहा कि करेगी, करेगी करेगी, बहुत परेशान है, पिछली बार भी ऐसे ही किया इसने, ये वो जान के वो खुद ढूंढ रहे, तो कुर्सी हटा भी देगा ना, वो फिर किसी और जगह जाके पड़ जाएगा, बोला ना उसको एक छुपी हुई जगह चाहिए, हाँ प्राइवेट स्पेस चाहिए उसको, तो गाइस यहाँ पे पांचवा बच्चा भी आ गया, उठा के लाओ तुम, 2 मिनट उठो ना, डॉक्टर साहब से सर्जरी परफॉर्म करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, जल्दी जाओ जल्दी निकाल दे, उसके अंदर पानी गंदा है ना, अरे एक मिनट चाट, अरे करने दो उसको, अरे 2 मिनट ना, मन्नी चुप हो जा यार, तुझे कुछ पता है नहीं, बेफालतू, तो यहाँ पे आ चुका है ओला का 5th बच्चा, वो ये चाटती रहेगी, धागा दे दो, ये लो धागा दो, चलो ये बच्चा उठाओ, थोड़ा सही से चाट लेना, सूख जाएगा ये, अरे वो चबाने लग जाएगी इसलिए कह रहा हूँ, नहीं नहीं करेगी, बच्चे पास तो आते प्लेसेंटा के, बच्चा उठाओ, मैं आपको क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, राहुल तो गाइस यहाँ पे ओला का डॉक्टर साहब हो गया, और अब उसके फाइनली हम लोग नाल काट रहे हैं, तुम्हें ना बच्चे को थोड़ी देर माँ को देना पड़ेगा ताकि बच्चा रोए, वो चाटेगी ना तभी रोएगा, वो फिर सांस लेना शुरू करेगा, वो ये रहा ब्लेड, और बच्चा भी, चलो 2 मिनट ओला को दो, उसको दे ओला को दे, बच्चा इधर रख दे, रख दे रख दे रख दे, रुलवाएगी थोड़ा सा, ये लो थोड़ा इस तरफ करो, इधर करो पैर के पास, हाँ हाँ, बच्चे को ना अपने आप थोड़ा ना,
टॉवल भी ग्रीन हो गया। होने दे। कोई नहीं बेटा, इन सब चीजों की चिंता नहीं है, और ले आएंगे। चेंज कर ले एक टॉवल। अभी कोई नहीं, एक और आने दे। अब बच्चा बिल्कुल हो जाएगा। ये भी सही है। वेरी गुड। ये भी हेल्दी है थोड़ा। कलाबाजी अगर कबड्डी हो। पकड़ के रखते हैं। जब अच्छे से चाट लेने मुझे दे देना बच्चा। चाट लिए लगभग। मुंह चाट है ना उसका। हाँ। ताकि वो सांस लेनी शुरू कर। सांस तो शुरू कर दिया उसने। ले रे मुंह चाट। अब रख दे उसके नीचे रख दे। खुश है तू? और ये मस्त है, थोड़ा एकदम घूम रहा है इधर से। अब दे दो बेटा उसको, थोड़ी गर्म है। तो गाइस ये रहे 5 बच्चे और यहाँ पे आ गया 6ठा बच्चा। पकड़ो पकड़ो बच्चा पकड़ो। दिशु जल्दी आ जा। बेटा वही कर रही है वो तो। चलो पांव हटाओ जी। चलो जी। 6th child is also here. अब देखते हैं मेल होती है कि फीमेल होती है। ये उठाओ। दो जी। ले ला। जाओ। अरे जल्दी कर भाई। जल्दी कर। जब तक वो सैक में उन्हें। एक मिनट रुक जाओ ला। बाकी सारी फीमेल होगी। मैं तो शर्ट लगा के बोल रहा हूँ। पूछ क्यों? पर ऐसे होता है राहुल, इसकी ग्लो देखी थी ना, कितनी ग्लो आई। इसका एस्ट्रोजन हाई था। एस्ट्रोजन बहुत। अभी कितने बच्चे हुए हैं? 6ठा था। 6ठा था। 5 फीमेल है, 1 मेल है, तो देख ले। अगर 8 भी होते हैं, 2 और मेल हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। मेरे ख्याल से वो भी नहीं होना चाहिए। चलो हटाओ बच्चा, काटो नाल काटो। अभी वो चाटेगी, बाद में पहले वो दे मुझे। तो गाइस यहाँ पे लेडी ऑली की जद्दोजहद चल रही है। 7वां बच्चा निकालेंगे, बस आने वाला है। यहाँ तक नीचे तक पहुँच गया बच्चा। 7th डॉक्टर राहुल, मैं ना देखो लास्ट वार्निंग है अभी। पूरी कोशिश कर रही है। हाँ थक गई मेरी बेटी है। ओलो बस आने वाले, मैं तुमको बताऊंगी, रुक जा। ये क्या बोलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले बेटा, फिर दूध पिलाने, बच्चे भूखे हैं। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, छोरे छोरे पाले पाले बच्चे वाला की। ओई 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 छाली गुड बॉय। वो कमजोर है, बस एक ही बच्चा कमजोर है, बाकी सारे अच्छे हैं, बस हेल्दी रहे। वेरी गुड ओला, वेरी गुड। नीचे तक पहुंच गया वो। तू टेंशन मत ले, मैं बब्जी को नामर्द कर दूंगी इसके बाद। नसबंदी करा देंगे बब्जी की, ठीक है ना? बहुत तंग करता है तेरे को। बस बस बस, वेरी गुड। तो गाइस यहाँ पे लग रहा है 7वां बच्चा भी निकलने वाला है। खून निकल चुका है, बस अब बच्चा निकाल चुके। थक गई है यार वो। इंसान औरत एक बच्चा नहीं कर सकती, आजकल ऑपरेशन करा लेती हैं झट। मैंने भी 2-2 ऑपरेशन ही कराए, पर इनको तो सब कुछ खुद करना पड़ता है ना वाला। बेचारी कल तक कैसी हटी हटी लग रही थी, अब ऐसे लग रही है बेचारी कमजोर सी, है ना वाला। ये तो अच्छा, हमें पता है दिशु, अंदाजा है कि अंदर कितने हैं कितने नहीं। नहीं तो बंदा कहे अब तो बहुत देर हो गई, हो गए चलो जाओ। तो गाइस क्विक अपडेट, ये रहे ओला के बेबीज। अभी यहाँ पे आपको 6 बेबीज दिख रहे हैं और अभी यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 और बच्चे ये डिलीवर करने वाली है, क्योंकि एक्सरे के अकॉर्डिंग इसके 8 पपीज थे और वेट ही कर रहे हैं कि सारे के सारे पपीज ये डिलीवर करे। ओला काफी थक गई है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ इसके 6 के 6 पपीज जो अभी तक डिलीवर हो चुके हैं। देखो कैसे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो भाई स्पॉन यार्ड हो रहे हैं, 6 बच्चे हो गए हैं। एक ना बिल्कुल अब वर्ज पे है निकलने, कभी भी निकल सकता है। हमने अब चाय कॉफी वगैरह, मम्मी होंगी अब। हेलो, मैंने आपको बोला है अरुण भैया को ऊपर भेजना, अभी तक कोई नहीं आया। बब्बे खुश है? बब्बे का नेचर देखो कैसा हो रहा है। यहाँ पे गाइस अभी गंदगी बहुत हो रही है, उसको अवॉइड करना, क्योंकि ओला ने लेबर से पहले यहाँ पे काफी कुछ किया है।
और हम तो देखिए हम कैसे हो गए हैं, पहले हम सीसीडी जाके कॉफियां पीते थे, अब देख हम किस हालात में कॉफियां पी रहे हैं, डिलीवरियां कॉफी पी रहे हैं, ये देखो गंद पड़ा हुआ है, हैं फिर भी पी रहे हैं, क्या टाइम चेंज हो जाता है यार। कौन है भाई ये? अरे ये आंटी देखो चिल्ला रही है, पता नहीं क्या हुआ इन आंटी को। एक और डिलीवरी हो गई, कॉफी अपना फोन लेते हैं तो गाइस हमें अंदर ना बाकी टेम्परेचर का बहुत फर्क है, बहुत ओला दे दे बेटा देर हो जाएगी, अभी निकल रहे तो उठा ले, अटक गया प्यार से प्यार से प्यार से, अटक गया क्या? ठीक है दोनों हाथों से बेटा, खुद ही निकाल देगी, नहीं सांस चल रही है अभी, बिना अम्बिकल कॉर्ड के बंद हो जाएगी, मर सकता है वो, मनी वो तो अंदर ही फंसा पड़ा है, रुक जाओ फिर पीछे हो जाओ, भगवान को अपना काम करने दो, पीछे हो जाओ टोला, जय माता दी जय माता दी जय माता दी, थोड़ा इसको साइड करो, थोड़ा थोड़ा जगह बनाओ, जगह बनी हुई है, उसको कुछ नहीं करने, वो अपने आप करेगी, पीछे हो जाओ, अटक गया वो बच्चा, लगता है टाइम राहुल इसीलिए उसका सैक भी नहीं है, अंदर ही रहेगा वो, करेगी भगवान उसको खुद शक्ति दे रहा है, वो कर तो रही है, देखो कुछ गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ हो जाएगी, उसको माँ को करने दो, जब निकल जाएगा ना पूरा खुद हट जाएगी, आजा दिशु, अरे दिशु जल्दी आ, अंदर आ गया सैक, ओहो शिट शिट ये नहीं बचेगा, इसका बांधो फटाफट बांधो, पकड़ इसे जल्दी करो, उसका ब्लड लॉस हो जाएगा पूरा, अरे टॉवल नीचे करो, अभी ये इसका वो सैक निकलना लेकिन जरूरी है, नहीं तो लेडी वाली के लिए खतरा हो जाएगा बहुत, अभी ये टाइम ना क्रिटिकल है क्योंकि अब अंदर बच्चे ज्यादा रह नहीं रहे हैं और प्रेशर बहुत क्रिएटेड है, मतलब है नहीं इतना प्रेशर जिस प्रेशर से आते हैं बच्चे, गुड 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 करने दे करने, ओला को सबसे ज्यादा प्यार होगा इससे, बड़ी औखी निकली है ना, निकला ही निकली है, बाद में देखना अभी उल्टा कर एक बार चाटेगी, अब सेक्स देख कौन सा मेल है फीमेल है, दिशु को लिया रही है, फीमेल है, है हाँ फीमेल, तुम्हें गलत फहमी तो नहीं हो रही, सारी फीमेल है, सिर्फ बब्जी जूनियर आया है नंबर वन, नंबर वन सबसे पहला मेल आया, मेरे ख्याल से एक बच्चा और होगा मैक्सिमम, शायद वो भी ना हो, नहीं एक्सेल में मुंडिया 8 आई हैं, मुझे लग रहा है हमें ना आज दिन में ना ओला को दिखाना है एक बार ना, अगर जैसे सब मैंने पढ़ा हुआ है इंटरनेट पे, अगर 2-3 दिन बाद इसको दिखाना है अभी एकदम, अगर अंदर वो रह गया सैक तो वो निकला ही नहीं अभी तक, निकलेगा तभी दूसरा निकलेगा, पर इसको चैन ले लिया पता, वो ऐसे पकड़ के ना मैंने एम्बिलिकल कॉर्ड हल्का हल्का खींचा है, पर बच गया बच्चा, नहीं तो नहीं, ब्लड लॉस हो जाता है, इनमें खून ही कितना होता है, अभी भी पता नहीं, वो हील होनी चाहिए फटाफट, ये काट ना ले वो जो हमने धागा बांधा है, नहीं धागे बंद पड़े, ये सारे भगवान इकट्ठे घूम रहे हैं आप खुश हैं, ये ले सारे इकट्ठे, चलो साथ तो अभी दे देते हैं थोड़ी देर में, वो कमजोर वाली भी अब थोड़ी बेटर हो गई, घुल मिल गई है ना, मोटी मोटी है, मोटे मोटे मुंह वाले आंटी वाला आंटी जैसे सारे, इतने बड़े बड़े मुंह वाले, चलो बस मम्मा मम्मा पास आओ, मेरे पास आ जाओ नानी पास, बस ओला ओला को देखो ना, इसको सबसे ज्यादा प्यार है राहुल, इसको तो मतलब कि चाटी जा रही है ना, इससे सबसे ज्यादा प्यार है इसको, चल दिशु थोड़ी तू भी 5 मिनट की ब्रेक ले ले, जा चाय पिया ले, थोड़ा सा और चाटी 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 कर ले साफ, गाइस 8:10 होने वाले हैं, 4:30 से बच्चे देना इसने शुरू किया था, 4:30 ना दिशु, तो 3.5 घंटे से अब हम यहाँ पे हैं और वेट कर रहे हैं, 4:30 बजे दे दी थी बच्चे, दे दिया था पहला, हम तो
हम लोग ना उसी ने सोए थे उसी ने और इसने बच्चा दे दिया। और वो तो पता नहीं, जैसे आपको राहुल ने बताया ना ब्लॉग के अंदर, खुदा का आदमी बन के ना जे ने राहुल को धक्के मारे, धक्के कि तू उठ उठ। अभी आपको पूरी स्टोरी ना राहुल की जुबानी फर्स्ट हैंड सुनाऊंगी, वो आपको बताएगा, मतलब रोंगटे खड़े हो जाए ऐसी कहानी है। तो अब 8-10 हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना फाइनल जो लास्ट 8वां बच्चा है वो अभी तक नहीं निकला, और इसमें ना टाइम ही लगेगा। और पिछले वाले बच्चे का वो भी नहीं निकला, क्या बोलते हैं उसको, प्लेसेंटा होता है। तो अब थोड़ा ना कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो हम वेट ही कर रहे हैं कि 8वां बच्चा निकले। लेडी वाली भी बहुत ज्यादा परेशान है, घबराई हुई है। यहाँ पे बच्चे ना देखो आपस में घुमरू बन के बैठ गए हैं सारे के सारे, साथ के साथ देख लो। बस एक ये बच्ची है सबसे कमजोर, बाकी तो सारे अच्छे हुए हैं। टच वुड, जय माता दी। तो वेट ही कर रहे हैं कि फटाफट ये करे। हाँ ओला अभी आएगा बेटा, अभी आएगा, फटाफट आ जाए मेरा बच्चा। पिछले बच्चे में और अभी इस वाले में काफी टाइम हो गया, कि तो 20-25 मिनट हो गए, ज्यादा हो गए, सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है इस वाले में। वेट ही कर रहे हैं निकले, भगवान से बच्चे से हो गए। पर जितना ही अंदर रखेगी बच्चे को ना, उतना बच्चे का ना जिंदा निकलने का खतरा बढ़ता जाएगा, कि वो जिंदा निकलेगा निकलेगी। अगर बच्चे ने पॉटी कर दी ना सैक के अंदर और उसको खा लिया तो वहीं खत्म हो जाएगा। वेट ही कर रहे हैं कि भगवान फटाफट इसका ना फाइनल काम अच्छे से करा दे। अंदर ना अब प्रेशर नहीं है ना, नहीं तो बच्चे एक दूसरे को पुश करते हैं बाहर आने के। तो अब अंदर एक अकेला बच्चा है जिसको बाहर आना है, उसको कोई पुश करने वाला नहीं है पीछे से। इसने देख जहाँ डिलीवरी की थी ना अपना सारा एरिया खुद ही साफ कर लिया, चार चार की ब्लड ना बहुत ही कम दिख रहा है।